तो चंडीगढ़ मामले पर कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, पंजाब सरकार का असंवैधानिक फैसला है, सैलजा कुमारी ने कहा है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, और पंजाब में असंवैधानिक प्रस्ताव पास हुआ है। जो पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया उसकी निंदा कांग्रेस यहां पर करती है, कुमारी सैलजा ने कहा है, ध्यान भटकाने के लिए आपने यह फैसला लिया है। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, पंजाब में किए वादे को नहीं किया पूरा, कुमारी सैलजा ने कहा है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, चंडीगढ़ मामले पर कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है। मेरे सहयोगी रवि जुड़े हुए हैं। रवि, जानकारी चाहेंगे, बयान कुमारी सैलजा की तरफ से भी सामने आ चुका है और उन्होंने आप सरकार को सीधा जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि असंवैधानिक प्रस्ताव विधानसभा में पास किया गया है। बिल्कुल अनु, देखिए जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया कि कांग्रेस की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में कुमारी सैलजा ने साफ कर दिया, कुमारी सैलजा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी का जो फैसला था चंडीगढ़ को लेकर उसको असंवैधानिक फैसला है। और सैलजा ने कहा कि हमारी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार का ये प्रस्ताव जो पास किया गया था ये असंवैधानिक है और कांग्रेस इस मामले को लेकर एक प्रस्ताव, कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। जो हरियाणा का जो कल स्पेशल सेशन जो बुलाया गया है उसको देखते हुए ये प्रस्ताव पारित किया है। उसमें साफ कर दिया गया है कुमारी सैलजा की तरफ से, हरियाणा का जो हक है वो हरियाणा को मिलेगा, चाहे वो हिंदी भाषी क्षेत्र हो या फिर SYL का पानी हो या फिर अन्य जो मुद्दे हैं, तो तमाम जो मुद्दे हैं वो हरियाणा को के लिए हैं और हरियाणा के लोगों के हित के लिए हम सदैव जो है खड़े हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस की तरफ से, कुमारी सैलजा की तरफ से हरियाणा सरकार पर भी निशाना साधा गया। उनकी तरफ से कहा गया कि SYL मुद्दे पर पिछले 7 साल से हरियाणा सरकार क्या कर रही है, तो इन तमाम मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाई हरियाणा सरकार ने, ये कहा है कुमारी सैलजा ने। इसके अलावा विशेष सत्र बुलाकर उंगली काटकर शहीद होना चाहते हैं हरियाणा के हकों के लिए, हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं किया, ये आरोप जो है कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार पर भी लगाए हैं। और इसके अलावा जो है तमाम, मतलब हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर रवि राजनीति भी हो रही है, सियासत भी यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।